राजस्थान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में पॉजिटिवों की संख्या का आंकड़ा 815 हो चुका है। राजस्थान के 25 जिलों में कोरोना वायरस फैल चुका है। प्रदेश में आज कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं। भरतपुर के 10 और बांसवाड़ा का एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। जयपुर में अब तक सबसे अधिक 341 मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं टोंक की बात करें तो 59, जोधपुर में 51, बांसवाड़ा में 53, कोटा में 40, भीलवाड़ा में 28, झुंझुनू में 31, बीकानेर में 34, जैसलमेर में 29, झालावाड़ में 14, चूरू में 14। प्रदेश में अब तक कोरोना के 28,505 सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 25,150 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। वहीं 2,540 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। साथ ही राजस्थान में 63 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को इलाज होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर चर्चा करने के लिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद है। जी लोकेश, प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, हर रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, लगातार जिस जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सुबह जो रिपोर्ट आई थी 9 बजे तक, उसमें प्रदेश में 11 नए कोरोना पॉजिटिव और सामने आए थे, और उसके बाद में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार यानी कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में भी जोधपुर और जयपुर में तकरीबन 20 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव वो उनकी आधिकारिक जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो चिंताजनक सरकार के लिए और प्रदेश की जनता के लिए जो चिंताजनक हालात है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आता है, उसमें इनकी जो प्रदेश के चिकित्सा महकमा डोर टू डोर सर्वे करने में लगा हुआ है, और उसी के जो परिणाम ये है कि जयपुर में जिस तरह से जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती नजर आ रही है वो उसी का परिणाम की सैंपलिंग जो जाँच जो व्यवस्था है वो तेजी की गई, और उसी में जो सामने आ रहा है कि जो संदिग्ध मरीज और पॉजिटिव मरीज है उनकी पुष्टि होती नजर आ रही है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में SMS अस्पताल में वार्ड बॉय के परिवार में भी अभी कोरोना पॉजिटिव की जो सूचना है वो सामने आई है, और इसी तरह रामगंज क्षेत्र में तकरीबन 300 से अधिक कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो अब तक सामने आ चुके हैं, जो एक चिंता का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। इसी तरह जोधपुर में भी लगातार कोरोना की जो पॉजिटिव की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और जो तकरीबन 60 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव है वो वहाँ सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो हालात चिंताजनक बनते जा रहे हैं, लेकिन सूबे के जो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री लगातार इन हालातों को लेकर नजरें बनाए हुए हैं, जो तमाम दिशा निर्देश है वो दे रहे हैं ताकि कैसे भी हो इनको हालात को काबू पाया जाए। हालांकि जो जो रिपोर्टों में जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं उनको लेकर ये भी है कि डोर टू डोर जो सर्वे जो प्रक्रिया है वो अपनाई गई है, जो एक प्रदेश के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से अन्य प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर इतनी तेजी से सैंपल व्यवस्था वो नहीं हो रही, जाँच जो सुविधा है वो इतनी तेजी से नहीं हो रही। लेकिन लोकेश, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है कि प्रदेश का जो डेटा है वो उस डेटा में अगर जयपुर का डेटा देखें तो लगभग आधे से ज्यादा पॉजिटिव सिर्फ जयपुर के हैं। जयपुर में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, जयपुर के कोरोना पॉजिटिवों की संख्या में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या तैयारियां की है, किस प्रकार से निपटने की अब जयपुर में विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, यह सही है कि जयपुर में विशेष रणनीति बनाने की जरूरत है। हालांकि भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी सराहा गया है, लेकिन भीलवाड़ा मॉडल जयपुर में लागू नहीं हो रहा। ऐसे में जयपुर में जो जनसंख्या के आधार पर जो नया मॉडल है वो लाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि उसी के तहत भी जनसंख्या के आधार पर ही अलग अलग टीमें लगाकर डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है, वहीं से सैंपल लिया जा रहा है, जो जिसमें कई ऐसे पॉजिटिव भी सामने आ रहे हैं जिनके कोई सिम्टम्स नहीं थे लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जो चिंता की बात है वो वाकई में बढ़ती जा रही है। लेकिन यह एक बिल्कुल सही भी कहा जा सकता है कि जो सैंपल में पॉजिटिव आ रहे हैं उससे यह पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन कोरोना संक्रमित है और कौन कौन नहीं है। ऐसे में जो चिन्हित करके उनको कोरोना पॉजिटिव को उनको उपचार के लिए भेजा जा रहा है ताकि यह संक्रमण को रोका जाए, वो एक नई जो प्रक्रिया है राजधानी जयपुर के लिए वो अपनाई जा रही है। जी साथ में एक बात और सामने आ रही है कि अब तक जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें से कुछ केस ऐसे भी मिल रहे हैं जिनकी ना तो ट्रेवल हिस्ट्री मिल रही है ना फिर उनका कोई कहीं से कनेक्शन मिल रहा है कि जो कोरोना उनमें आया है तो वो आया कहाँ से, तो ये भी एक बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है प्रशासन के लिए, चिकित्सा महकमे के लिए।
जी बिल्कुल, कई ऐसे जो केसेज आए हैं उनकी कोई ना तो कोई ट्रेवल हिस्ट्री है ना वो किसी से संपर्क किए हैं, उसमें अधिकतर जो 60 साल की उम्र के अधिक के लोग हैं वो इन सब में सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो इस तरह से जो जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं वहाँ पर पुलिस ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा गया, वहाँ उस एरिया को सील किया गया है ताकि वहाँ पर संक्रमण और नहीं फैले और वहाँ के लोगों के डोर टू डोर वहाँ पर भी जो सैंपल है वो लिया जा रहा है ताकि वहाँ पर और जो संदिग्ध मरीज या कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी पुष्टि हो और संक्रमण को रोका जाए। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।